हेलो स्टूडेंट, टैली जीएसटी का हम लोग वर्कआउट करते हैं। टैली ईआरपी 9 में मैंने यहाँ पे जीएसटी एक्टिवेट नहीं है, लेकिन मैं उसका ट्यूटोरियल नए वर्जन में दिखा रहा हूँ। आप उसे ओल्ड वर्जन के हिसाब से ही करना है। मैंने मोस्टली आपका टैली के जो फाइल्स है ऑलरेडी मैं फोल्डर वहाँ पे रखे हुए हैं, या तो नहीं रहेंगे तो मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा। लेकिन टैली में जैसे आप कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी क्रिएट करते हो, मैंने फर्स्ट एसओपी में डाला था, वैसे ही यहाँ पे भी लेटेस्ट वर्जन में डिफरेंट नहीं है। ऐसे समझो आप ये ओल्ड वर्जन देख के कर रहे हो, लेकिन एसओपी 1 से इजी टैली यहाँ पे ऑप्शन है। तो सबसे पहले F11 करके ऑप्शन जो दिया हुआ है उन्होंने, मतलब टैली ओल्ड में अगर वर्कआउट करते हो तो टैली वर्क में भी आप जैसे ओपन होगा तो आप क्या करोगे, उसमें सेम एक चीज़ करोगे, कंपनी का नाम डालोगे, कंपनी का एड्रेस डालोगे, उसका टेलीफोन नंबर, जीएसटी नंबर जो भी रहेगा वहाँ पे, जीएसटी नंबर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे पूरा डिटेल डालना है। कंपनी क्रिएट करने के, देखो एक ऑलरेडी कंपनी ओपन है तो इसे शट करो, या तो कंपनी इंफॉर्मेशन में जाओ, यहाँ पर क्रिएट कंपनी डाल सकते हो आप। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है जो भी रहेगा। MS बैक्स करके था, बैक्स करके बैक करके डाल दिया, MS मैंने बैक्स बैक करके डाल दिया मैंने, और एंड कुछ तो बैक्स करके दिया है, उसका एड्रेस और ये सबको डिटेल दिया। फिलअप करना है टोटली टैली में। ये फिलअप करने के बाद कंपनी इस तरह ओपन होगा। उसका फीचर्स के लिए, मतलब फर्स्ट OPCP में फीचर्स में जाना है। पहले इसमें मैंने वो बार बार कंट्रोल भी कर रहा था, वहाँ पर भी अकाउंट ओनली में, यहाँ पर बैक्स में, यहाँ पे अकाउंट ओनली को यस करना था, तो आपको 10 बार आप लोग कंट्रोल भी करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो ठीक है, जीएसटी ऑन करना रहेगा तो F11 करके यहाँ पे आप जीएसटी ऑन कर सकते हो। वही चीज़ जीएसटी का एंट्री में नए वर्जन में करके दिखा रहा हूँ। मैंने नया वर्जन यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे कंटिन्यू तो एजुकेशन वर्जन, मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। नया कंपनी में क्रिएट अ कंपनी, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं कंपनी में गया, यहाँ पे क्रिएट ए कंपनी, कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसे समझो कि ओल्ड वर्जन का ही कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नाम डाला MS बैक, सेम मेथड है, देखो मैंने यहाँ पे बैक्स एंड बैगेज ट्रेडर्स यहाँ पे डालने का, एंटर देके पूरा डिटेल फिलअप किया, उसका डेट भी चेंज कर दिया, जो डेट चाहिए वो डेट डाला, 1/4/2009 करके था तो मैंने यहाँ पे 22 है, लेकिन मैंने वहाँ पे डेट चेंज किया, ऐसे समझो। सेकेंड, उसके बाद F11 करके ये ऑप्शन एक्टिवेट करना है। F11 करके वहाँ पे जैसे ऑप्शन आते हैं ओल्ड वर्जन में अपने पास जीएसटी का नहीं, यहाँ पे ऐसे ही सेम फॉर्म आएगा, वहाँ पे आपको महाराष्ट्र डालना है। महाराष्ट्र डालने के बाद एंटर दे के आगे जाना है। उसका जीएसटी नंबर था किधर, यहाँ पे पूछा है क्या जीएसटी 3 नंबर, हाँ यहाँ पे देखो ये जीएसटी 3 नंबर उन्होंने दिया हुआ है, तो 27STUVW1234C2Z करके 1 दिया हुआ है, ऐसे देके एंटर देके आप नीचे जा सकते हो। जीएसटी नंबर बन गया, सब F11 दबाने के बाद ये फीचर्स आता है, ओल्ड वर्जन में स्टार्टिंग में ही आता है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल ये अकाउंट को सेम थिंग अकाउंट वाउचर में जाना है। अकाउंट वाउचर में यहाँ पे लिखा है ऑन 1/8/2019 में उन्होंने क्या किया हुआ है, 150 पीसेस लेदर हैंड बैग का लिया हुआ है, उसका प्राइस है 2500 पर पीसेस और जीएसटी 28% दिया हुआ है। तो एंट्री पास करता हूँ मैं, पूरा रीड नहीं करता हूँ, परचेस बोला हुआ है तो परचेस के लिए F9 किया मैंने। ऐसे ही व्यू आएगा, जो कंट्रोल भी किया था लास्ट टाइम मैंने, ऐसे व्यू आएगा। यहाँ पे बिल नंबर दिया है क्या मेरे को, बिल नंबर मेरे पास से नहीं दिया हुआ है, एंटर दिया। एंटर देने के बाद यहाँ पे ध्यान में रखना पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, लेदर हैंग बैग, अलसी, अलसी प्रेस क्या, बैग्स डाला उसमें, अंडर परचेस किया तो क्रिएटर,
इसमें पार्टी जब रहेगी ना तो कोई जीएसटी का ऑप्शन को ऑन मत करो। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है उसका जीएसटी 3 नंबर ये सब कुछ डालना है, नहीं डालोगे तो अपने को प्रिंट आउट में प्रॉब्लम देगा। ये उसका एड्रेस विड्रेस रहेगा ना, ये पार्टी का नाम, ये पूरा फिलअप करना है। जैसे उन्होंने साई बाबा नगर डीपी रोड यहाँ पे आपको लिखना है, वो एंटर देके यहाँ पे आगे गया मैं और महाराष्ट्र किया, यहाँ पे इंडिया या तो महाराष्ट्र जो रहेगा महाराष्ट्र डाल दिया, एंटर देके आगे गया। यहाँ पे कोई भी जीएसटी यस नहीं करना है, हमेशा ध्यान में रखना। पार्टी के ऑप्शन में जब लेजर क्रिएट करते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जीएसटी और यान नहीं करना है। परचेज जब हम लोग क्रिएट करेंगे, परचेज जब करेंगे हम लोग, क्योंकि परचेज करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा परचेस, परचेस अंडर परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट करके लिखना है, परचेस अकाउंट एंटर देगा। परचेस में यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल लिखा हुआ है, वहाँ पे एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे आपको डिटेल डालना है, यहाँ पे ही कंपलसरी डिटेल डालना है। परचेस में नया वर्जन मत सोचो, जूना वर्जन में ही वही करना है, कुछ गलत नहीं करना है, ऐसे सेम टू सेम करना है। यस किया मैंने, यहाँ पे जाके आप परचेस टैक्सेबल, उधर भी सेम रहेगा ऐसे ही, परचेस टैक्सेबल लेके यहाँ पे जो टैक्स दिया हुआ उन्होंने कितना दिया हुआ है 28%, उसके नीचे चीज करके लिखा है, मतलब एजुकेशन के लिए जाता है, वो एजुकेशन के लिए अगर देना है तो ये आप 2% 1% दे सकते हो, तो मैंने 2% लिखा। आप 0 रखोगे तो बेटर ही रहेगा, 0 ही रखो, जाओ ही मत। यहाँ पे उन्होंने बोला कि सर्विस के ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं हम लोग या गुड्स के ऊपर, तो ये बैग है तो मैं गुड्स पकड़ के चल जाता हूँ क्योंकि मैं सर्विस नहीं दे रहा हूँ, गुड दे रहा हूँ। एंटर दिया, एंटर दिया, लेजर क्रिएट हुआ सेम ऐसे ही। क्या बेचा आइटम लिखा हुआ यहाँ पे, नेम ऑफ आइटम, क्या बेचा हम लोग ने, तो कितने सॉरी बेचा नहीं, हम लोग ने परचेस किया, क्या परचेस किया हम लोग ने, तो बैग परचेस किया, हैंड बैग लेदर के। अलसी यहाँ पे ये जो है इन्वेंट्री बना रहे हम लोग, स्टॉक आइटम डाल रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस आप लिखने के टाइम अलग लिखोगे, लेकिन ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेदर बैग हैंड बैग पूरा लिखना है आपको। यहाँ पे खाली ध्यान में रखना है, ये सारा डिटेल डालो मत यहाँ पे यूनिट में, लेकिन कंपलसरी अल्ट सी प्रेस करके आप PCS डालना, इसका स्टैंड फॉर PCS करके लिख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ डालना नहीं है, बस एक ही एंट्री पास करना है और आपका जीएसटी हो गया। सेम परचेस का किया वैसे सेल, यहाँ पे कितना डाला मैंने 150, पर पीस कितना 2500, एंटर एंटर 25,000 हुआ, 2500 एंटर देना है, एंटर और एक एंटर देके यहाँ पे अल सी वापस जीएसटी। बहुत लोग पहले से ही लेजर क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बना के मैं अल सी से कर रहा हूँ। जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालना है, ऐसे समझो ओल्ड वर्जन है, स्क्रीन चेंज है खाली। जीएसटी यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, सॉरी जीएसटी मत लिखना, हम लोग सी जीएसटी मतलब सेंटर जीएसटी करके, ड्यूटी और टैक्सेस जीएसटी में मैंने सेंटर जीएसटी डाल दिया। सेकेंड आर सी मैंने जीएसटी के बाद सी जीएसटी डाला एस जीएसटी, और ड्यूटीज और टैक्सेस में जीएसटी में मैंने स्टेट टैक्स जीएसटी डाल दिया। इतना ही आपको करना है, एंटर देना है। अगर इसका डिटेल फिलअप करके प्रिंट आउट निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट में ऑप्शन आएगा प्रीव्यू करके, ये देखो आपने स्क्रीन जो वर्कआउट हो गई, वो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है नीचे तक, लेकिन यहाँ पे अभी आया नहीं है, परचेस का ही है, सेल का नहीं है। ये हम लोग ने परचेस किया, जीएसटी जो भी है जीएसटी नंबर और ये सब कुछ हम लोगों ने डाल दिया वहाँ पे। उसके बाद सेकेंड एंट्री लिखा हुआ है, हम लोग ने परचेस किया सेल के लिए, 80 पीसेस हम लोग ने सेल किया, लेकिन उसका प्राइस बढ़ा के 3500 में बेच के ये किया है, और उसके ऊपर 28% जीएसटी लगाया, जीएसटी 3 नंबर निकालना है। सेम वर्कआउट करना है सेल एफेट, सेल के लिए मैं क्या गया एफेट, एफेट में गया और यहाँ पे क्या बेच रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से हम लोग अभी कौन से पीस हैं, सोल्ड टी पीस 3000, वही वही चीज़ बेचनी है,
किसको बेचने हैं अलग से अप्लाई इसको, पार्टी का नाम क्या है, तो यहाँ पे शॉपर स्टॉक करके दिया हुआ है, MS सेल कर रहा हूँ तो सन्ड्री डेटर्स, परचेस कर रहा हूँ तो सन्ड्री क्रेडिटर, यस किया मैंने। यहाँ पे सेल लेजर अंडर सेल्स अकाउंट आएगा, अल्ट सी प्रेस किया मैंने, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, यहाँ पे मैंने बोला कि परचेस में जैसे आया अवेलेबल किया था वैसे पार्टी को कुछ नहीं करना है, लेकिन परचेस में GST ऑन करना है, सेल्स में भी एप्लीकेबल किया और यहाँ पे मैंने यस किया। सेम मेथड सेल टैक्सेबल जैसे परचेस टैक्सेबल किया था, यहाँ पे मैंने 28% दिया और ये आगे का कुछ नहीं, और यहाँ पे गुड्स दे दिया। और क्या बेचना है, तो ऑलरेडी पेंडलों ने परचेस किया है तो लेदर बैगिंग, ऐसा कुछ लिखा नहीं है उन्होंने क्या बेचा, तो लेदर बैगिंग, कितना पीसेस, 80 पीसेस, रेट कितना, 3500, एंटर देखें, CGST SGST। अभी आप प्रिंटआउट देखोगे, अगर ये डिटेल डाल दिया, इसका प्रिंटआउट हम लोग जब देखेंगे, अगर मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रिंट के ऊपर क्लिक किया, प्रिंट देने के बाद जब मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखो पूरा अच्छी तरह से प्रिंटआउट आया हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रिंट क्या मांगा हुआ है, सेल ए टैक्स इनवाइस, मतलब ये सेल टैक्स इनवाइस है, एक प्रिंट अपना, मतलब इसको प्रिंट, मतलब मेरा काम रहेगा, या तो इसको आप मोबाइल स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं, तो PDF भी बना सकते हैं हम लोग। एक ये हो गया, इसका आने के बाद सेकेंड आ जाता है आपका, ये एंट्री में पूरा पास कर लेता हूँ, पहला मैंने सेव नहीं किया था, एंटर दे के मैंने पास किया एंट्री, सेव करने के बाद जैसे ही प्रिंट ऐसे आने के बाद मुझे सेकेंड ऑप्शन बोला उन्होंने कि आपका GSTR देखना है, तो कहाँ पे रहेगा, तो डिस्प्ले में, कहाँ पे जाओगे, डिस्प्ले मोड, डिस्प्ले मोड में GST रिपोर्ट और यहाँ पे GSTR2, इसका ही प्रिंट आउट देना है, फिनिश।